नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का संसद का 1101 प्रश्न रियल वाला पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे का हमारा पहला सवाल दिया है, कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम किम, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट उत्तर लगाना होगा, आ वाला कवि। इसके साथ आपका दूसरा सही विकल्प दिया है, बालकस्य इसमें शब्द विभक्ति अस्ति, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा आ वाला षष्ठी विभक्ति। इसके साथ ही आपका तीसरा सही विकल्प दिया है, पितरा शब्द विभक्ति अस्ति, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको ब वाला इज राइट आंसर लगाना, तृतीय विभक्ति। इसके साथ ही आपका चौथा दिया है, रामा शब्द षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा द वाला रामस्य। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, आधुनिक तेसु अव्यव नास्ति, इसको तो लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा, दावला पुत्रा। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, आदु लिखते सु अव्यम पदम नास्ति, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको यहाँ पर सा वाला इज राइट आंसर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालतन दिया है, पहले खालतन का आंसर लगा लीजिएगा। पहले खालतन में आपको लिखना होगा यहाँ पर विशाला, ठीक है, विशाला आपको पहले खालतन का उत्तर लगाना होगा। दूसरे में आपको यहाँ पर लगाना होगा दुर्लभम, ठीक है, दूसरे खालतन में आपको दुर्लभम लगाना है। और तीसरे खालतन में आपको गीता भी लगाना है, क्या लगाना है, तीसरे खालतन में आपको यहाँ पर गीता में आपको लगाना है। इसके साथ आपका चौथे खालतन में आपको मानवाई आपको लगाना है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर पांचवें खालतन में आपको जलम लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका छठे खालतन में आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, कान नम्न आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, महिंद्रा में आपको लगाना होगा यहाँ पर ग वाला गुण सो संधि, और इत्यादि में आपको लगाना होगा यहाँ पर क वाला यन सो संधि, और तीसरे में जगन्नाथ में आपको लगाना होगा ख वाला व्यंजन संधि, और पितरों में आपको लगाना होगा यहाँ पर च वाला द्वंद्व समास। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, गुरु दक्षिणा, तो पांचवे में आपको लगाना होगा यहाँ पर घड़ी वाला तत्पुरुष समास, और त्रिभुवन में आपको लगाना होगा छठे में क्या लगाना है, अड़ा वाला आपको लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य उत्तर आपको देना है, ठीक है। जिससे कि हमारा पहला दिया है, पहले का डायरेक्ट आप आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, धार्मिका आपको लिखना है, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, पित्रासु सम वाल्मीकि गच्छति, तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, विद्याधनम आपको लिखना है, विद्याधनम आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा दिया हमारा, तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तीसरे का आंसर आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा, इसमें आपको मतुप आपको लगाना होगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है, चौथे का आप आंसर डायरेक्ट लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लगाना होगा, ठीक है। चौथे में क्या लिखना है, चौथे में आपको बुद्धि लिखना है, बुद्धि आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का उत्तर। और इसके साथ आपका पांचवा दिया, पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा, पांचवे में आपको मानुसात आपको लगाना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका यहाँ पर छठा दिया, छठे का आंसर आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा, छठे में आपको शरीरम आपको लगाना है, क्या लगाना है, शरीरम आपको यहाँ पर इसका उत्तर लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आम हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका आम हो जाएगा, और तीसरा क्या पूछा है, हताम इसमें पदे लिट लकारा अस्ति, तो हताम में लिट लकार है, तो दोस्तों इसका आंसर में हो जाएगा हमारा असत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका चौथा दिया, चौथा हो जाएगा यहाँ पर ना हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा आपका ना। इसके साथ आपका यहाँ पर छठा दिया है, रोचते इसमें पदे एक वचनम अस्ति, तो रोचने में एक वचन है, ये आपको बताना है बिल्कुल नहीं है, यह हमारा हो जाएगा ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा दो दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, सातवें क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सातवें के बाद यहाँ पर आठवां,
आठवीं के बाद यहाँ पर हमारा नौवा, दसवा और ग्यारहवा क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है। ग्यारहवीं के बाद यहाँ पर बारहवा, बारहवीं के बाद यहाँ पर तेरहवा, चौदहवा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको पार्ट वन को पूरा अच्छे से याद कर लेना है और जल्दी हम यहाँ पर आपके लिए पार्ट टू में पूरे क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।